हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल आरबीएम एसएस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो और आप लोग अपनी सफलता प्राप्त करें। और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और ध्यान से तथा विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा। और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, अगर ये आप लोगों को पसंद आता हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ एवं स्वयं भी इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आगे अब हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है, अब हम एक्सरसाइज 2.6 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.6 में दिया है पहला क्वेश्चन, 8x-3/3x=2। हम इसके पीछे ही बताए थे इस सवाल के बारे में कि अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में ऐसा रहता है कि देखो यहाँ पर बटे लगा जो है 8x-3 पूरे का बटे 3x, केवल एक के बचे नहीं है किसी का, दोनों ये जो राशि दी गई दोनों संख्या के बटे 3 है, बराबर यहाँ पर 2 है। तो देखें यहाँ 2 है तो 2 के नीचे तो कुछ नहीं है, इसलिए सबके नीचे हर में क्या रहता है, एक सिपा रहता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा। तो 1 से जब इन दोनों संख्या में गुणा करेंगे तब तो वही प्राप्त होगा 8x-3, और 2 से देखो इसमें गुणा करेंगे तो 2×3=6x, बस हो गया गुणा। अब तो आसान हो गया, जिसका हमें मान निकालना है यानी चर राशि को हमें बराबर के बाएं पक्ष में रखना है और अचर राशि को दाएं पक्ष में। यहाँ क्या करेंगे, अब हम 8x/6x को इधर लाएंगे -6x, और -3 इधर जाएगा तो +3 दूसरे पक्ष में जाएगा, तो 8 में से 6 गया तो बचेगा 2x=3, या हम ये भी कह सकते हैं x=3/2। ठीक है, यही हमारा आंसर है 3/2, x=3/2 या 1/2। आ गया समझ में, आसान तो सबसे आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:7, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा यानी 3:4 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। आगे इसका सोल्यूशन ध्यान से देखें। देखें आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले एक्सरसाइज 2.5 में जो क्वेश्चन बताया गया है, 2.6 में भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक समीकरण दिया है और समीकरण को हल करना है। तो उसमें भी जैसे हम पिछले चैप्टर में एक्सरसाइज 2.5 में जैसे हम बताए थे कि पहले जो भी समीकरण दिए गए थे बटे के रूप में उसका तिरछा गुणा करके बताया गया था, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद जितनी चर राशियां थी उनको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते थे और जो अचर राशियां थी उनको हम लोग राइट हैंड साइड में रख करके उसका सोल्यूशन निकालते थे। तो इसमें भी एक्सरसाइज 2.6 में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक दिया गया है, इसमें भी पिछले अभ्यास की तरह से पहले क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है कि जितनी चर राशियां हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो अचर राशियां उनको हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और उसके बाद हमें उसका सोल्यूशन निकाल लेना है। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। 6 में दिया है हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7। देखिए इसमें दिया है, क्वेश्चन 6 में दिया है हरी और
हायरी दो लोग हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:7, ठीक है, ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है क्वेश्चन में कि हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, 4 वर्ष के बाद में। तो ये तो देखो हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि माना हरी की वर्तमान आयु 5x तथा हैरी की वर्तमान आयु 7x वर्ष है। देखें इसे एक बार ध्यान दें, क्वेश्चन में दिया था कि हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो पहला वाला जो है हरी का है और दूसरा वाला 7 क्या है, हैरी का है। तो हम मान लेते हैं कि माना हरी की वर्तमान आयु 5 दिया था, तो 5x वर्ष और हैरी की वर्तमान आयु 7x वर्ष है, ठीक है, दोनों मान लिया गया। अब 4 वर्ष के बाद दोनों की आयु निकालेंगे, यहां लिखेंगे 4 वर्ष बाद हरी की आयु, 4 वर्ष के बाद हरी की आयु जो निकालेंगे, तो देखो हरी की वर्तमान आयु है 5x, 4x की 4 वर्ष के बाद में इसकी आयु हो जाएगी 5x + 4 वर्ष, इसमें 4 जोड़ देंगे, जितना हरी का वर्तमान आयु है इसमें 4 जोड़ देंगे तो 4 वर्ष के बाद की आयु मिल जाएगी। अब हरी की वर्तमान आयु है 7x, यहां पर लिखेंगे 4 वर्ष बाद हैरी की वर्तमान आयु, सॉरी 4 वर्ष के बाद हैरी की आयु, तो क्या होगा, 7x दिया है वर्तमान आयु और 4 वर्ष के बाद पूछा है, इसमें विचार क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। अब किताब में देखे दिया है कि 4 वर्ष के बाद हरी और हैरी की आयु का अनुपात 3:4 है, यानी 3/4 है, ठीक है। 4 वर्ष के बाद जो हरी की आयु है और जो हैरी की आयु है इनका अनुपात दिया है 3:4 यानी 3/4। इसका मतलब क्या है कि पहले हरी की आयु लिखेंगे तो 4 वर्ष वाला बाद 5x + 4 है, हैरी की आयु है 4 वर्ष के बाद में 7x + 4 और दोनों का अनुपात दिया है 3/4, ठीक है, ऐसे समीकरण। इसका मतलब ये है जैसे दिया है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष के बाद हरी और हैरी की आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, इसे दिया है कि 3:4 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, 3:4 का मतलब है कि 3/4, ठीक। तो हरी का लिख लेंगे ऊपर, हैरी का नीचे लिखेंगे, अब बराबर होगा 3/4 दिया है तो 3:4 या 3/4 लिख देंगे। और फिर जैसे हम लोग समीकरण हल करने के लिए पिछले अभ्यास में भी बताया गया था उसी तरह से इसको हल करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे मान लो 3 से अगर गुणा करेंगे तो इसका इससे गुणा करेंगे, तो 3 से 7 में गुणा करोगे तो 3 7 21x अधन 3 4 12, 4 से देखो इसके ऊपर वाले गुणा करेंगे तो 4 5 20x अधन 4 4 16। अब इसको हल करना है तो हमें जिसका मान बताना है निकालना है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो 21x है, 20x देखो बराबर के बाद में दिया है तो इसको हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो -20x हो जाएगा। यहाँ देखो +16 दिया है, ये 12 जो हमको अचर राशि है दूसरे पक्ष में ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो इसको -12 कर देंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल दें तो 21x में से 20x जाएगा तो 1x बचेगा, 1x बराबर कितना, 16 में से 12 गया 4, तो x क्या हो गया 4 आ गया, मतलब x का आयु हो गया 4। किताब में पूछा है
प्रश्न में उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखो हरि की वर्तमान आयु है 5 वर्ष, यहां लिखोगे हरि की वर्तमान आयु कितना दिया है 5 वर्ष। 5 वर्ष का मतलब है कि 5 × 4, यक्ष का मान हम लोग 4 निकाल चुके हैं, दिख रहा है ना, तो 5 × 4 कितना हो गया 20 वर्ष। अब यहां लिखेंगे हरि की वर्तमान आयु, हरि की वर्तमान आयु, तो देखो हरि की वर्तमान आयु कितना था 7 वर्ष, यहां लिखेंगे 7 वर्ष, इसका मतलब है 7 × 4 बराबर क्या हो गया 28 वर्ष। ये दोनों का आंसर आ जाएगा, एक का आ जाएगा 20 वर्ष, आंसर एक का आएगा 20 वर्ष और दूसरे का आएगा 28 वर्ष। ठीक है, आगे सबको समझ में क्या कर रखी है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है हरि और हरि की वर्तमान आयु का अनुपात, नोट कर लिए हैं वर्तमान आयु का अनुपात है। मान लिए हैं कि हरि की वर्तमान आयु अगर 5 दिया है तो 5 वर्ष और हरि की वर्तमान आयु 7 वर्ष, ठीक है, ये दोनों हम मान लिए हैं। उसके बाद 4 वर्ष के बाद दोनों की आयु निकाले हैं, तो 4 वर्ष के बाद आज हरि की आयु है 5 वर्ष, तो 4 वर्ष के बाद इसका क्या होगा 5x में 4 जोड़ देंगे, ठीक है ना। आज हरि की वर्तमान आयु है 7 वर्ष, तो 4 वर्ष के बाद का निकालेंगे तो हरि की आयु कितनी हो जाएगी 7x में 4। लेकिन किताब में क्या कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:4 है, यानी 3:4 है, 3/4 है। तो 5 वर्ष के बाद इनकी आयु तो निकाल दिए हैं, हरि का है 5x/4 और हरि का है 7x/4 बराबर हम कर दें 3/4। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से हम जब 7x+4 भी गुणा किए हैं तो आया है 21x+12 और 4 से 5x/4 भी गुणा किए तो आया है 20x+16। हमको तो x का मान बताना है, तो x वाली संख्या यानी चर राशि को क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और अचर राशि को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो देखो 21 में से 20 गया तो 1x और 16 में से 12 गया 4, x का मान 4 आ गया। तो पूछा है हरि और हरि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हरि की वर्तमान आयु हो जाएगा 5x, यहाँ पर हम निकाले हैं 5×4=20 और हरि की वर्तमान आयु 7x, 7×4=28, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखें, इसमें दिया है कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है, तो वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया है परिमेय संख्या का हर अंश से 8 अधिक है, ठीक है, और अंश में 17 जोड़ेंगे और यदि हर में 1 घटा देते हैं तो हमें 3/2 प्राप्त होता है, तो हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। आगे हम लोग इसका सलूशन ध्यान से देखें। देखो इसमें पूछा है कि परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, ये है ना, परिमेय संख्या का हर अंश से 8 अधिक है, किससे अधिक है अंश से, तो मान लेंगे कि माना परिमेय संख्या का अंश जो है एक्स है, अंश को क्या मान लिए एक्स, इसलिए परिमेय संख्या का हर क्या होगा, हर कह रहा है कि अंश से 8 अधिक है तो हर हो जाएगा एक्स धन 8। आगे सुनिए, देखिए फिर से दिया है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, तो हर अंश से 8 अधिक है, तो हम मान लिए कि माना परिमेय संख्या का अंश x है, इसलिए परिमेय संख्या का हर x+8 होगा, ये तो मालूम हो गया आपको। अब कह रहा है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्न में देखो क्या कह रहा है, देखो
जब अंश यक्ष है और हर यक्ष प्लस आठ है तो परिमेय संख्या हो गई यक्ष बटे यक्ष प्लस आठ, यही होगा यक्ष बटे यक्ष प्लस आठ। अंश यक्ष है हर यक्ष प्लस आठ है तो परिमेय संख्या हो गई यक्ष प्लस एक्स बटे आठ। लेकिन कह रहा है यदि अंश में सत्रह जोड़ दिया जाए, अगर अंश में हम लोग सत्रह जोड़ दें और हर में से यदि एक घटा दिया जाए तो परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है तीन बटे दो, ये परिमेय संख्या हमें तीन बटे दो हो जाती है। ठीक है, अब अंश एक्स है हर तो एक्स प्लस आठ है, अगर अंश में सत्रह जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो परिमेय संख्या हो गई तीन बटे दो। बस ये हमारा समीकरण बन गया और इसी को हल करना है। देखो हल करोगे तो एक्स धन सत्रह बटे एक्स धन आठ में से एक या सात बराबर हो गया तीन बटे दो। अब जैसे समीकरण हल करने के लिए बताएं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दें, तीन से पहले इसमें गुणा करेंगे तो तीन एक्स धन तीन सत इक्कीस, और दो से इसमें गुणा करेंगे तो दो एक्स धन दो सत्रह दूनी चौतीस। अब एक्स वाले जो पद है जो चर राशि है उसको बाएं पक्ष में ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स बराबर यहाँ चौतीस है, इक्कीस अचर राशि है इसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस इक्कीस। अब यहीं पर देखो तीन में से दो जाएगा एक एक्स बराबर चौतीस में से इक्कीस जाएगा तो चार में से गया तीन और तीन में से दो गया एक, अर्थात एक्स का मान कितना आ गया तीस आ गया। ठीक है, हमको पूछा है परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, इसलिए लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर देखो परिमेय संख्या यही है एक्स बटे एक्स धन आठ, जब अंश एक्स है और हर है एक्स प्लस एक। अब इसी में एक्स का मान रख दें, एक्स की जगह पर लिखेंगे तेरह, अब बटे यहां पर हो जाएगा तेरह प्लस आठ बराबर हो जाएगा तेरह प्लस तेरह आठ होता है इक्कीस, यही हमारा आंसर है। आगे समझे कैसे ध्यान दे दें, प्रश्न में दिया है कि परिमेय संख्या का अंश सॉरी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से आठ अधिक है, तो अंश एक्स मान लिए तो हर हो गया एक्स धन आठ। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी एक्स बटे एक्स धन आठ। अब कह रहा है कि अंश में हम सत्रह जोड़ दें तो ऊपर वाले में को सत्रह जोड़ दिए, हर में कह रहा है एक घटा दें तो एक्स प्लस आठ में एक घटा दिए तो तीन बटे दो हो जाता है तीन बटे दो। यहाँ पर इसको हल करेंगे कि एक्स धन सत्रह बटे एक्स धन आठ में से एक जाएगा तो सात बचेगा, अब बराबर है तीन बटे दो। अब हल करने के लिए तो हम लोग यही हल करते हुए आ रहे हैं पिछले अभ्यास से ही, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तीन से एक्स में गुणा किए तीन एक्स और तीन से सात में गुणा करेंगे तो इक्कीस, उसी तरह दो से दोनों में गुणा करेंगे तो दो एक्स प्लस सत्रह दूनी चौतीस। अब हमको जो चर राशियां हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, तो देखो यहाँ तीन एक्स दिया था और यहाँ दो एक्स है तो दो एक्स को इधर लाएंगे तो हो गया माइनस दो एक्स, एक साथ हो गया। यहाँ चौंतीस दिया है ये प्लस इक्कीस है दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस इक्कीस हो गया, चौंतीस में इक्कीस गया तेरह एक्स बराबर तेरह, इसलिए परिमेय संख्या बराबर एक्स बटे आठ एक्स धन आठ, एक्स का मान रखेंगे तेरह बटे तेरह धन आठ यानी तेरह बटे इक्कीस, यही हमारा आंसर होगा।